इस वीडियो में हम लोग क्लास 10 ज्योग्राफी एग्रीकल्चर की क्रॉपिंग पैटर्न को देखने वाले हैं। क्रॉपिंग पैटर्न में हम लोग सबसे पहला पढ़ते हैं खरीफ, फिर पढ़ते हैं रबी और फिर क्या पढ़ते हैं जायद। तो मैं इसको आपको याद कराने वाला हूँ, बहुत आसानी से आप इसको याद करेंगे। तो जायद को थोड़ी देर के लिए आप भूल जाएं, हम लोग सिर्फ खरीफ और रबी की बात करेंगे। तो इसमें से पहले किसे पढ़ें, खरीफ को पढ़ें कि रबी को पढ़ें? तो इसका सबसे आसान ट्रिक है कि हम लोग को शुरुआत करना है खरीफ से, के और उसके बाद क्या आता है आर। यदि आप एबीसीडी पढ़ेंगे तो आपको सबसे पहला क्या आएगा, के और उसके बाद क्या आएगा आर। के फॉर खरीफ और आर फॉर रबी, इन्हीं दोनों के बारे में पढ़ लेना है, जैद तो ऐसे ही आपको याद हो जाएगा। तो सबसे पहले आता है खरीफ। तो यदि मैं बोलूं कि बेस्ट सीजन जहां पर क्रॉप्स को उगाया जाए वह कौन होगा, तो वह होगा मानसून का सीजन। मतलब मुख्य रूप से कृषि जो किया जाए वह मानसून का सीजन होगा। हम लोग रीजनिंग अपना लगा रहे हैं क्योंकि उस समय बहुत अच्छा बारिश होगा, बहुत अच्छा क्लाइमेट होगा, जिससे कि वहां पर आपको एक्स्ट्रा एफर्ट लगाना नहीं पड़ेगा। ये हम लोग अपना रीजनिंग लगा रहे हैं क्योंकि हम लोग ये याद कर रहे हैं। ये सही भी हो सकता है, गलत भी हो सकता है, इसमें बुद्धि आपको नहीं लगाना है। तो सबसे अच्छा सीजन फर्स्ट में हम लोग पढ़ रहे हैं खरीफ, और वो बेस्ट सीजन में लगाया जाएगा ये सोचना है आपको। तो खरीफ कहाँ कब लगाया जाएगा, मानसून में। यदि मैं आपसे पूछूं कि आप याद करिए कि मानसून कब आता है, बारिश कब होना शुरू होता है, तो आप जरूर याद कर सकते हैं क्योंकि आप क्लास टेंथ में हैं। तो आपको ये अनुभव होगा कि जैसे ही जून और जुलाई आता है तो बारिश होना शुरू हो जाता है। तो ये हो गया मानसून का सीजन, जून जुलाई, और ये कुछ तो टाइम लगेगा इसको। तो जून जुलाई हो गया, तो जून जुलाई अगस्त सितंबर और अक्टूबर, यदि हम लोग 5 महीने का टाइम लें तो जून से अक्टूबर, ये जून से जून जुलाई में इसको लगाया जाएगा, तो सितंबर अक्टूबर में इसको काट लिया जाएगा। अभी भी आपको याद नहीं हो रहा है कि अक्टूबर में काट लिया जाएगा, तो आप सोचिए कि अक्टूबर में काटा जाएगा तो उसके बाद दीपावली आएगा। ऐसा सोचिए, अक्टूबर के बाद दीपावली आता है, तो जब फसलों को काट दिया जाएगा तो अक्टूबर या नवंबर में दीपावली आता है, तो उसी की खुशी में दीपावली मनाया जाएगा। तो आपको एकदम याद हो जाएगा खरीफ फसल। इसके बाद हम लोग रबी की बात करें, तो इसी को यदि आगे ले जाएं तो अक्टूबर तक इसका काम खत्म। अब अक्टूबर के क्या बाद आता है, नवंबर। तो हम लोग देखें कि यहां पर अक्टूबर से दिसंबर तक इसको बोया जाता है। यहां पर इसके बाद जस्ट हम लोगों को पढ़ लेना है रबी, और रबी भी 5-6 महीने का, यानी कि 5-6 महीने का ये और 5-6 महीने का ये। तो आप अक्टूबर से दिसंबर तक इसको बोएंगे, और बताइए कि इसको कब बोया था आपने, इसको जून जुलाई तक बोया था, तो इसको जून तक लगभग काटेंगे। इसका मतलब हो गया अप्रैल टू जून तक इसको क्या कर लिया जाएगा, काट लिया जाएगा। तो लगभग 6 महीना और लगभग 6 महीना, पहले 6 महीना इसको पढ़ लेना है, फिर 6 महीना इसके बाद ये पढ़ लेना है, बस आपको याद रहेगा हमेशा के लिए। इसके बाद यदि मैं पूछूं कि रबी क्रॉप्स में क्या क्या आते हैं, तो बहुत आसान है। मैं आपसे पूछूं कि आप हरा चना कब मिलता है, या फिर मटर आपको कब मिलता है, मार्केट यदि आप जाते होंगे सब्जियां खरीदते होंगे तो मटर और हरा चना आपको कब मिलता है, तो 100% आपको ये पता होगा कि ये कब मिलता है, फरवरी, जनवरी, फरवरी, इसी टाइम में हरा चना मिलता है और हम लोगों को मटर भी मिलता है। तो ये नाम आप याद कर सकते हैं, उस सीजन में होता है तभी तो मिलता है आपको। इसके बाद मस्टर्ड जो होता है वह उसी सीजन में होता है। मस्टर्ड आप जानते हैं, मस्टर्ड का मतलब क्या होता है, सरसों। तो सरसों आपने फिल्मों में भी देखा होगा कि बहुत दूर तक सरसों लगाया जाता है और पीला पीला उसका फूल आता है, तो वह भी कब आ रहा है आपका, वह भी रबी क्रॉप का ही हो गया। इसके बाद एक आता है वीट। तो वीट यदि आपको याद नहीं हो रहा है तो मैं अभी तुरंत याद करा दे रहा हूं। तो इसके पहले तो हम लोग फर्स्ट वाले में जाएंगे, ये नंबर वन, इसी के बारे में हम लोग को सब चीज बहुत अच्छे समझना है, तो नंबर टू तो ऐसे ही समझ में आ जाएगा। तो यदि मैं पूछूं कि इंडिया में सबसे ज्यादा उगाए जाने वाला क्रॉप क्या है, तो वह क्या है आपका, वह है पैडी, जो कि वर्ल्ड में सेकंड स्थान रखता है। और ये पैडी क्या हो गया, ये हो गया धान, जिसमें से क्या आता है, राइस आता है, चावल आता है। तो इसका मतलब जो मुख्य सीजन है उस मुख्य फसल क्या हो गया, जो मुख्य मुख्य फसल है वही उगाए जाएंगे, ऐसा आपको रीजनिंग लगा लेना है। तो सबसे इंपॉर्टेंट क्या हो गया, पैडी, और वीट भी बहुत इंपॉर्टेंट होता है, लेकिन बस थोड़ा सा आपको कर देना कि वीट को उधर ट्रांसफर कर दीजिए, कि वीट यहाँ नहीं उगा के चलो वीट को हम लोग इधर उगा लेते हैं, बस ये याद करना है। बाकी तो आप मेज हो गया, फिर बाजरा हो गया, अरहर हो गया, कॉटन हो गया, ये सब मेन क्रॉप है, और ये सब कब उगाए जाएंगे, खरीफ के सीजन में ही उगाए जाएंगे। अब एक और बात आपको ध्यान देना है, आपने मेज यानी कि मक्का कब खाया है,
तो मक्का आप सितंबर में या उसके पहले अगस्त सितंबर अक्टूबर इसमें ज़्यादा मक्का मिलेगा आपको, इसका मतलब इसका मेन सीजन क्या हो गया, यही हो गया। अब इन दोनों के बाद आ जाता है ज़ायद। तो हम लोगों ने क्या पढ़ा, एकदम सीरियल से पढ़ेंगे, के आर और फिर जेड से ज़ायद आ गया। तो ज़ायद बेसिकली ये क्या है, बीच का है, इन दोनों के बीच का जो सीजन है उसी को हम लोग क्या बोलते हैं, ज़ायद, यानी कि समर सीजन में ज़ायद को लगाया जाता है। तो आपसे पूछा जाएगा ज़ायद का क्या सीजन है, तो बोलेंगे कि खरीफ और रबी के बीच का ये है। और आप देख सकते हैं इसमें इस प्रकार से मैंने यहां पर कुछ बनाया है, और इसमें आप देखेंगे कि यहां पर ककड़ी लगा हुआ है, खीरा लगा हुआ है, कुकुम्बर जिसे हम लोग कह रहे हैं, इसके बाद आप देख सकते हैं वाटरमेलन लगा हुआ है, मस्क मेलन लगा हुआ है यहाँ पर देख सकते हैं। तो ये आप आसानी से याद कर सकते हैं कि ज़ायद में मतलब समर में आपको मेन रूप से क्या मिलेगा, वाटरमेलन मिलेगा, ककड़ी, खीरा, कद्दू, ये सारा मिलेगा। तो ये ज़ायद में यहाँ पर आप लिख सकते हैं। तो ज़ायद के बारे में 2-3 पॉइंट ही आपको लिखना है। इसके बाद आ जाता है कि खरीफ फसल कहाँ लगाया जाता है और रबी फसल कहाँ पर लगाया जाता है इंडिया में। तो आप बहुत आसानी से इसको लिख सकते हैं। तो यदि हम लोग रबी की बात करें तो मेन रूप से यहाँ पर वीट है। तो ये वाला जो एरिया है, ये पूरा एरिया यहाँ तक आप कर सकते हैं, और इसमें 2-4-5 नाम तो आप लिख ही सकते हैं, जैसे जम्मू एंड कश्मीर हो गया, उसके बाद पंजाब और हरियाणा मेन है, फिर उत्तर प्रदेश हो गया, फिर यहाँ पर कुछ इनका रीजन हो गया। तो इस प्रकार से आप 2-4 नाम याद कर सकते हैं, और थोड़ा बहुत तो हर जगह उगता है इसलिए कोई टेंशन नहीं है। और यदि हम लोग देखेंगे यहाँ पर खरीफ का, तो खरीफ का इस तरीके से आप देख सकते हैं, यहाँ 2 करके आप लगा सकते हैं, इधर ज़्यादा खरीफ का फसल होगा, इधर होगा, इधर होगा, ये ज़्यादा खरीफ का होगा। तो इसमें मैं आपको पढ़ा दे रहा हूँ, जो रबी का है वह हो गया पंजाब, हरियाणा, हिमाचल प्रदेश, जम्मू कश्मीर, उत्तर प्रदेश। तो यहाँ आप देख सकते हैं यहाँ पर है हिमाचल प्रदेश, और यहाँ पर क्या है आपका उत्तराखंड, ये भी नाम लिख दीजिए। तो ये सारा उत्तर प्रदेश हो गया, यही है। इसके बाद आ जाएगा खरीफ में आपको जो मैंने आपको बता दिया, तो ठीक वैसे ही आपका आंध्र प्रदेश, ओडिशा, केरला, तमिलनाडु, महाराष्ट्र, ये ले लेना है, और ये सारा रीजन आपको लिख देना है, फिर असम वगैरह का रीजन को भी लिख देना है। तो मैं मिल रहा हूँ आपसे नेक्स्ट वीडियो में, धन्यवाद।